कच्चे रोड पर अभी हम जाएंगे सीधे सामने, ये लेफ्ट वाला रोड पकड़ेंगे और यहाँ ऊपर कहीं रोड है वहां से आगे फिर थोड़ा पैदल चलेंगे। खजुंड लेक भाड़ा रोड पर, सरहान से भाड़ा रोड पर आगे नाले से कच्चा रोड है लिंक रोड, और ये पलोगा जगह है जहां पर की गाड़ी लगा दी है क्योंकि आगे स्किट है, स्लिपरी है बर्फबारी की वजह से, अभी थोड़ा गिला है रास्ता। आगे चलेंगे पैदल, यहाँ से कोई 40-45 मिनट लगते हैं और चलते हैं खजुंड लेक में, लेक मिलती है कि बर्फ मिलती है, चलिए चलते हैं। बीच में बर्फ का नजारा शुरू। इस रोड से हम राइट को ही जाएंगे, ये वो रास्ता जो कि यहाँ सामने एक गांव है, हम इस गांव नहीं जाएंगे बट ये वाला रास्ता लेंगे। और यहाँ से ये अभी मुझे मिले थे, इन्होंने बताया कि यहाँ से ऊपर को चढ़ना है आगे से, यहाँ कहीं ऊपर हमने जाना है कहीं। ये मिस्टर नीरज, मिस्टर राहुल और ये पीछे मिस्टर जतिन। पानी के पनियार से पीछे ऊपर को रास्ता है, हम इस रास्ते से जा रहे हैं आप, और बर्फ भी आप देख ही रहे हैं है बीच बीच में। ये शॉर्टकट जंगल के बीच में से ये रास्ता हम लेके जा रहे हैं, काफी कंजस्टेड जैसा है और चल रहे हैं हम, चलिए। चंबा से ही किसी का बगीचा यहाँ पर, इसके साथ साथ से हम गुजरेंगे। अब बर्फ भी मजेदार नजर आ रही है, मजेदार है ये जंगल के बीच बीच में ऐसे चलना। और साथी मेरे, छोटी सी ट्रैकिंग है, छोटी है कि बड़ी वो तो अब पहुंच के ही पता चलेगा। थोड़ा ओपन एरिया में, फिर से खुला एरिया है, सनी एरिया। इस रास्ते से आए हैं, हम पहुंच गए सरी, और हमारे साथ ये दो लड़कियां जिन्होंने साथ ही आए और इन्होंने यहाँ तक का रास्ता दिखाया। अब आगे हम यहाँ से चढ़ेंगे कहीं ऊपर, और सामने है अगार जुमार बड़ा एरिया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ हम पहुंचने वाले हैं शायद थोड़ी देर में। बर्फ में चलने का नज़ारा और जंगल में खूबसूरत। आज है 11 फरवरी और आज मेरी लास्ट छुट्टी, कल से स्कूल लगने वाले हैं, ड्यूटी ज्वाइन करिए करते हैं। शायद हम, ऐसा लग रहा है कि पहुंचने वाले हैं और देखते हैं, हम पहुंच चुके हैं खजुंड झील पे। बारिश के, बर्फबारी के फरवरी महीने के दिन के 2:30 बज रहे हैं और 12 बजे हम चंबा से चले थे और अब हम झील पे, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आसपास का, धूप और बर्फ। यह है नाग देवता का मंदिर,
यहाँ पर जय हो नाग देवता। और पहुंच गए हम खजुंड और ऑसम ब्यूटी। जय हो। इस लेक में फिश भी होती हैं, छोटी छोटी फिश। तक की हमारी यात्रा चंबा से 12 बजे चले और 2:30 बजे यहाँ पे, और काफ़ी मौसम फील हो रहा है क्योंकि विंटर सीजन में ज़्यादातर अभी ऑफ सीजन ही रहता है हमारा ट्रैकिंग का, पर ये बीच में से हमने चुरा लिया और ये विंटर सीजन की बर्फ इस बार 2-3 बार शायद मैं बर्फ में और इन्जॉय कर रहा हूँ। ब्यूटी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। आराम आराम से चले तब भी 1.5 घंटे के अंदर आदमी पहुँच सकता है, तो बढ़ाया जरूर यहाँ का प्रोग्राम। और बर्फ में नहीं तो मई या जून महीने में, जब यहाँ पर थोड़ा और बढ़िया ग्रीनरी, अप्रैल में यहाँ पर आसपास फूल लगे होंगे ब्रांश के, चू के, तो रास्ते में सारे हर तरफ आपको रेड रेड कलर के वो बड़े अच्छे सुंदर नजर आएंगे। तो जारी रखें ऐसी यात्रा। और अब बनाते हैं हम मैगी और लंच की पहुंच चुका है 2:30 बजे, अब मैगी बनेगी और देखते हैं कितने बजे खाते हैं और कितना उससे पेट भरता है। बट एनीवे थैंक्स, चलिए अभी तक मैगी खाते हैं। ये हमारा छुटकू सा स्टोव और ये बन रही है मैगी। यह है बर्फ का नजारा और नजारों के साथ बेहगरा। अगर रोड बिल्कुल क्लियर हो तो यहाँ तक आता है और उसके बाद यहाँ से चढ़ाई है जो कि 1 घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा और पहुँच जाएंगे खजुंड। हमारी टीम पहुँच चुकी है रोड पे और हम आ गए हैं रोड पे, तो चलेंगे अब घर वापस। बाय।